हमारा ये बेटा दामाद नहीं बल्कि भगवान बनकर आया हमारी जिंदगी में। दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। हमारी सुगना का अब नया जीवन शुरू हो सकेगा। सुगना बेटा कुछ मत कहना माँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। और सुगना मैं क्यों इतना बुरा करे मेरे साथ माँ, क्यों? मेरी बात तो सुन ले, तेरे माँ बाप को दुश्मन ना है तेरे, जो करेंगे तेरी भलाई के लिए ही करेंगे। आज भी हमने जो फैसला लिया है वो तेरी और तेरी होने वाले बच्चे की भलाई के लिए ही लिया है। तू एक बार भरोसा तो कर अपने माँ बापों पर। कैसा भरोसा माँ, ये जानते हुए भी कि किसी को मेरी इच्छा से कोई मतलब नहीं। ऐसा ना है सुगना, तू अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के भरोसे कैसे गुजारेगी? कोई तो चाहिए ना जो। नहीं माँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा बच्चा होगा ना मेरे साथ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। देख सुगना, अभी तो मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी से ब्याह नहीं करना माँ। अगर आप लोग मेरा सच में भला चाहते हैं ना माँ, तो मेरी दूसरी शादी का फैसला अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये फैसला मैं आपका नहीं मान सकती, कभी नहीं। पर सुगना तो आपको मेरी सौगंध माँ, जिद मत करना। मैंने फैसला कर लिया और अब मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अगर वो लड़का हम सबके सामने इतने साहस से सुगना का हाथ मान सकता है, तो मैं भी सुगना को शाम के साथ खुश देखना चाहूंगी। सुगना के पूरे जीवन का सवाल है, उसके सुख उसके भविष्य का सवाल है। बड़ी मुश्किल से सुख की उम्मीद जागी है उसके जीवन में, अब उसकी खुशी के आड़े मैं किसी को ना नहीं दूंगी। सुगना को भी खुश रहने का पूरा अधिकार है और उसे वो सारी खुशियां मैं दूंगा। सुगना का हाथ जिंदगी भर थामने के लिए तैयार हूं। सुगना के बारे में पूरा सच जानते हुए भी उसके साथ ब्याह करना चाहता हूं। सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा उन्हें जे भी, कि जिस छोरी को ब्याह के तू उनके घर में लाना चाहे वो पेट से है। ठीक है, अगर सुगना से मेरे ब्याह की आपकी यही शर्त है तो ऐसा ही होगा। मेरे बापू आपसे सुगना का हाथ मांगने आएंगे। मदन सिंह के जहां से रिश्ते की ना आ जाने के बाद कोई भी हमारे साथ जब्बा जोड़ी ना करेगा। हाँ, सुगना को जापे तक भीकू के गांव मंडा भेज दिया जाएगा, जैसा कि मैंने इस सारे तमाशे से पहले फैसला कर लिया था। मदन सिंह को अपनी मूंछ की इज्जत बहुत प्यारी है, वो ना मान के देगा। अगर मदन सिंह मान गया तो आप सुगना को ब्याहता होने का आशीष देंगी ना? अपने छोरे श्याम के लिए आपकी पोती सुगना का हाथ मांगने आया हूं। आपकी पोती सुगना का हमारे घर में वही स्थान होगा
जो मदन सिंह के घर में उसकी बहू का होना चाहिए। आशा एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, अगर सुगना का शाम से ब्याह हो गया तो हमारा घर बदनामी से बच जाएगा। हम शाम से कह सकते हैं कि वो सुगना को ब्याह के बाद कहीं दूर ले जाए और सही समय देखकर बच्चे के साथ वापस आ जाए। आवे जी, मदन सिंह मान कैसे गयो? अपने इकलौते सपूत का ब्याह करावेगा एक विधवा छोरी के साथ, वो भी जो पेट से है। मारे गले से तुझे बात ना उतरे। जरूर कुछ और है उस शैतान के मन में, हल करे हमारे साथ। क्या हुआ? नहीं मानी सुपना? जी जी, आपने सुपना को समझाया ना कि? क्या समझाऊं मैं उसे, कहना वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी कसम दे दी उसने मुझे, उसके बाद क्या कहती मैं उससे? खुद जिद पे अड़ी है और मुझसे कह रही है कि मैं जिद ना करूं। हार गई मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। नहीं सुमित्रा, अगर सुगना बचपना करने पर तुली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी जिद मानकर उसका जीवन बर्बाद होने दें। लेकिन इस वक्त सुगना से कोई भी बात करना, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ बाबू, मैंने आपको बहुत दुख दी है, मेरे कारण बहुत बदनामी होगी ना। शर्म के मारे आप लोग अपना सर भी नहीं उठा पाएंगे। मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ, बहुत गुस्सा आता होगा ना मेरे नाम सुन के। नहीं सुना, ऐसा मत बोल। माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है ये तू नहीं समझेगी, पर बेटा इतना तो समझती है ना कि माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा उसका भला ही सोचेंगे। हमने ये जो निर्णय लिया है ये अपनी बदनामी और शर्म से बचने के लिए नहीं, बल्कि तेरे जीवन के बारे में सोच कर लिया है बेटा। इतना विश्वास तो है ना तुझे अपने बापू पर? वो बात नहीं है बापू। तो और क्या बात है बेटा, इतना लंबा जीवन तू किसके सहारे जिएगी? आज मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ है, लेकिन हमारे बाद क्या होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं बापू? नहीं बेटा, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। लाख चाहे तो भी तेरे माँ बाप जीवन भर तेरे साथ नहीं रह सकते। माना कि जगदीश और आनंदी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका भी अपना जीवन होगा, अपनी गृहस्थी होगी। इतना लंबा जीवन कैसे बिताएगी तू? इतने बड़े संसार में कैसे अकेले जिएगी तू? मुझे पता चल गया बापू, मैं आप लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ ना। नहीं बेटा, तू बोझ नहीं है। सब लोग दिन रात मेरी चिंता करते हैं ना। ठीक है, मैं इस घर से चली जाऊंगी।
आप सबकी नजरों से दूर अपनी बहन की निशानी के साथ अपना सारा जीवन बिता लूंगी मैं। माँ मैंने आपसे कहा था ना मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी माँ, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी, मैं हर तकलीफ उठालूंगी माँ, मैं झेलूंगी, पर मेरा ब्याह मत करो माँ। समझ क्यों नहीं रही सुकता, जो तू चाहती है वो आसान नहीं है बेटा। आसान क्या, वो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है माँ, अगर आप दोनों चाहो तो। बाबू मुझे विदा करके किसी के घर मत भेजो, मैं आपको वजह देती हूँ बाबू, मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी बाबू, ये इस कोठरी में पड़ी रहूंगी मैं, आपने मुझ पे इतने उपकार किए बाबू, अपनी बेटी पे एक उपकार और कर दो, मेरा ब्याह मत करो बाबू, मत करो। मैं जैसे तैसे अपना जीवन बिता लूंगी बापू, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे अगर ये बच्चा ही ना रहे तो। ऐसा मत बोलो। तो फिर और क्या कहूं सुगना, जिस बच्चे के सहारे तो अपना जीवन बिताने के बारे में सोच रही है, उसके बारे में मासा ने क्या तय कर रखा है पता है तुझे? तेरे बच्चे के पैदा होते ही उसे तुझसे दूर भेज दिया जाएगा और तुझसे कहा जाएगा कि तेरा बच्चा जिंदा ही नहीं है। सुगना तुझे जिंदगी भर ये पता नहीं चलेगा कि वो कहां है, किसके पास है। मासा तुझे कभी खबर नहीं होने देगी। इस परिवार को बदनामी से बचाने का ये रास्ता तय करके रखा है मासा ने। नहीं बापू, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे मेरा बच्चा, देख सपना, तेरी दादी सा का दोष ना है इसमें, घर की बड़ी है ना, परिवार के मान सम्मान की जिम्मेदारी उन्हीं की तो है। तू खुद ठंडे दिमाग से सोच, तेरे प्रताप की निशानी को सारी दुनिया पाप कहेगी तो कैसा लगेगा तुझे? अरे प्रताप के माँ बापू ने इस बच्चे को अपने बेटे की औलाद मानने से इनकार कर दिया, तो क्या समाज स्वीकार करेगा इसे? सुगना, तू अपने बच्चे को सम्मान की जिंदगी देना चाहती है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। आने वाले जीवन के बारे में सोच, जिसे तू दुनिया में लाना चाहती है। श्याम बहुत अच्छा लड़का है, जो तेरे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया है। सुगना, तेरे बच्चे को सम्मान का जीवन देने के लिए इस ब्याह के लिए मान जा, विश्वास कर मेरा, अपने बच्चे को अपने पास रखने का इसके सिवा कोई चारा ना है तेरे पास। क्या अब भी तुझे मेरी और सुमित्रा की बात गलत लगती है बेटा?
ईश्वर जानता है बेटा, ये सब कुछ हमने तेरे और तेरे होने वाले बच्चे की खुशी का सोच कर ही किया। उसे एक विनती करनी है, कुछ कहने से पहले मैं एक बार श्याम से मिलना चाहती हूँ। मिल सकती हूँ? मासा मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले तुम दोनों बात कर लो। मुझे समझ नहीं आता कि क्या जादू कर दिया तुमने मेरे घर वालों पर, मेरे पीछे ही पड़ गए, तुमसे ब्याह करने के लिए मजबूर कर रहे मुझे। वो समझते हैं कि मेरी खुशी, मेरा जीवन सब तुमसे है। तुम बहुत बुरे हो श्याम, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली और ना ही अपने घर वालों को और दुख देना चाहती हूं मैं। इसीलिए तुमने ये रास्ता ढूंढा, अपनी बड़ी बड़ी बातों के जाल में मेरे घर वालों को फंसा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मां बापू दादी सा तुम भी इतना भरोसा करते हैं। मुझे खुशी है कि सब इतना भरोसा करते हैं मुझ पे, तभी तो इस ब्याह के लिए मान गए हैं सब। और तू भी सुगना एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देख, मैं वादा करता हूं निराश नहीं करूंगा तुझे। तेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, सच। क्यों श्याम, क्यों मुझ पे मेहरबानी करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे मन में, मेरे जीवन में मेरे प्रताप की जगह कोई नहीं ले सकता, और मेरा ये बच्चा हमेशा तुम्हें सच्चाई की याद दिलाएगा। फिर क्यों तुम मुझसे ब्याह करना चाहते हो, क्यों मेरे कारण अपने घर वालों के खिलाफ जा रहे हो तुम, क्यों श्याम? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं सुगना, इसीलिए। प्यार के बदले हर इंसान प्यार चाहता है, जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती श्याम। और मैं वो तुझसे मांग भी नहीं रहा, सच। और ना ही मैंने कोई ऐसी उम्मीद बांध रखी है कि एक दिन तू भी मुझसे प्यार करे। अपनी चाहत का सौदा नहीं करता मैं, जो बदले में कुछ और चाहूं। सिर्फ तेरा और तेरे बच्चे का ख्याल रख के भी अपनी जिंदगी पूरी तरह बिता सकता हूं मैं, और वो भी खुशी से, बिना किसी शिकायत के।
सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करके देख सुगना, मैं वादा करता हूँ तुझे एक अच्छी खुशहाल जिंदगी हम बिता सकेंगे साथ, हम तीनों। समझ नहीं आता तुम पे भरोसा करूं या नहीं। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा श्याम। कोई बात नहीं, अब तो देख लिया ना, और आगे पूरी जिंदगी भर देखती रहना। और मैं इतना बुरा भी नहीं हूं सुगना जितना तू समझती है। शायद तुम भूल गए श्याम, भले ही मेरे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मगर अब तक मैंने हाँ नहीं की। ये समझना आवश्यक है कि पुनर्विवाह नारी में वैधव्य से उत्पन्न निराशा के अंधकार को दूर करने वाली आशा की किरण है।